आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को लगातार दूसरे मुकाबले में खराब परफॉर्मेंस के कारण एक करीबी हार का सामना करना पड़ा है। केएल राहुल की अगुवाई में लखनऊ के नवाबों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एक रोमांचक जीत दर्ज करके अपनी जीत की लय को बरकरार रखी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में दर्ज की एक शानदार जीत और हैदराबाद की टीम को किया चारों खाने चित। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिला। मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ। पावर प्ले में ही वाशिंगटन सुंदर की ऑफ स्पिन गेंदबाजी ने लखनऊ टीम की कमर ही तोड़ के रख दी। वाशी ने ओपनर क्विंटन डिकॉक और खतरनाक एविन लुइस को सस्ते में पवेलियन भेजकर एसआरएच को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। हालांकि मनीष पांडे ने आते ही रोमारियो शेफर्ड को एक चौका और एक छक्का लगाकर पॉजिटिव इंटेंट तो दिखाया, लेकिन उसी ओवर में पांड्या एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे और महज 27 रनों के भीतर ही सुपर जायंट्स के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ऐसे में कप्तान राहुल के कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ चुकी थी और उनका साथ निभाने आए इन फॉर्म दीपक हुड्डा से भी पारी संभालने की दरकार थी। पहले 6 ओवर में एलएसजी ने 35 रन बनाए, लेकिन इसके बाद राहुल और हुड्डा की जोड़ी ने एक अर्धशतक की साझेदारी करके टीम को संकट से बाहर निकाल लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी समझदारी से पार्टनरशिप को बुना। जहां एक एंड से राहुल एंकर रोल प्ले कर रहे थे, तो वहीं दूसरे एंड से हुड्डा ने अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी करके रन गति को बनाए रखा। इस दौरान 10वें ओवर में हुड्डा और राहुल ने युवा उमरान मलिक को आड़े हाथों लेते हुए बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी और उनके एक ही ओवर में 20 रन जड़ दिए। फिर 12वें ओवर में हुड्डा ने शेफर्ड की एक लेंथ डिलीवरी को स्टैंड्स में भेजा, जिससे अपने और अपने टीम के खाते में 6 रनों का इजाफा किया। वहीं युवा उमरान की तेज रफ्तार गेंदों पर भी धावा बोलते हुए दीपक ने एक ही ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर 14वें ओवर में ही लखनऊ को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। डीवाई पाटिल में देर रात दीपक ने अपनी चमक दिखाई और सिर्फ 31 गेंदों में ही इस सीजन का दूसरा अर्धशतक भी जड़ दिया। लेकिन एक शानदार पारी खेलने के बाद दीपक हुड्डा 16वें ओवर में 51 रन बनाकर शेफर्ड का शिकार बने, जिसके बाद राहुल हुड्डा के बीच हुई 62 गेंदों में 87 रनों की साझेदारी का अंत हुआ और 114 पर लखनऊ सुपर जायंट्स को चौथा झटका लगा। इसके बाद कप्तान राहुल ने भी एक कप्तानी पारी खेलते हुए 40 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी ने भी आते ही एक बाउंड्री लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। 50 लगाने के बाद कप्तान राहुल ने आखिरकार गियर बदलने का ठाना और अगले ओवर में ऑफ स्पिनर सुंदर के ऊपर 2 कड़े प्रहार किए। वहीं बदोनी ने आखिरी गेंद पर चौका लगाया, जिसके बाद 17वें ओवर से लखनऊ ने 17 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन की घातक डेथ बॉलिंग ने एसआरएच को मैच में वापसी कराई। 18वें ओवर में भुवी ने सिर्फ 7 रन दिए, तो वहीं 19वें ओवर में नटराजन ने सिर्फ 8 रन देकर कप्तान राहुल और कृणाल पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखाया और लखनऊ के 180 के आंकड़े तक पहुंचने के अरमानों पर पानी फेर दिया। राहुल 50 गेंदों में 68 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन अंतिम ओवर में आयुष बदोनी और जैसन होल्डर ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए शेफर्ड को 17 रन लगाए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 169 रनों का स्कोर खड़ा किया। 170 का पीछा करने उतरी एसआरएच की शुरुआत कोई खास नहीं रही। केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 21 रन जोड़े। वहीं लखनऊ के लिए तेज गेंदबाज आवेश खान पावर प्ले में एसआरएच के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। युवा तेज गेंदबाज ने कप्तान केन को अपने पहले ओवर में 16 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहली सफलता दिला दी। वहीं अपने दूसरे ओवर में दूसरे ओपनर अभिषेक शर्मा को भी पवेलियन भेजकर एसआरएच के खेमे में खलबली मचा दिया। हालांकि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी शानदार लय में दिखाई दिए और पहले 6 ओवर में अटैकिंग बैटिंग करते हुए टीम को 40 के स्कोर तक पहुंचाया। वहीं 7वें ओवर में रवि बिश्नोई को एक चौका लगाकर स्टाइल से एसआरएच की हाफ सेंचुरी पूरी की। त्रिपाठी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 8वें ओवर में एंड्रयू टाई के ऊपर फिर से हमला बोलते हुए 3 चौके जड़ दिए। वहीं दूसरे एंड से मार्करम विकेट संभाले थे।
पहले 10 ओवर में एसआरएच ने 2 विकेट पर 82 रन बना लिए थे और आखिरी 60 गेंदों में हैदराबाद को जीत के लिए 88 रन चाहिए थे। लेकिन यहीं पर कृणाल पांड्या ने अपने 2 ओवर में खेल की तस्वीर बदल दी। 11वें ओवर में मार्करम को 12 रनों के नीचे स्कोर पर आउट करके पांड्या ने मैच में नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। तो वहीं 14वें ओवर में कृणाल ने सेट बैटर राहुल त्रिपाठी को 44 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। 95 के स्कोर पर हैदराबाद को चौथा झटका लगा, लेकिन उसी ओवर में कैरिबियन पावर हिटर निकोलस पूरन ने एक बड़ा छक्का लगाकर एसआरएच फैंस की उम्मीदें जगा दी। इसके बाद पूरन ने जैसन होल्डर की पहली और आखिरी गेंद को भी चौके के लिए भेजकर 15वें ओवर को शानदार नोट पर खत्म किया। होल्डर ने इस ओवर में 15 रन खाए, जिसके बाद आखिरी 5 ओवर में एसआरएच को 10 की रिक्वायर्ड रेट से 50 रनों की दरकार रह गई। पूरन और वाशिंगटन सुंदर क्रिज पर मौजूद थे और दोनों ने 16वें ओवर में बिश्नोई को बेहतरीन अंदाज से खेला। पूरन ने ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर इक्वेशन 24 गेंदों में 41 रनों का कर दिया। वहीं इसके बावजूद अगले ओवर में एंड्रयू टाई ने एक चौका खाने के बावजूद केवल 8 रन दिए और आखिरी 3 ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए 33 रनों की दरकार रह गई। 18वें ओवर में पूरन ने आवेश खान की पहली गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर एसआरएच फैंस की खुशी दोगुनी कर दी, लेकिन उसी ओवर में जबरदस्त पलटवार करते हुए आवेश खान तीसरे गेंद पर सेट बल्लेबाज पूरन को 34 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर हैदराबाद की उम्मीदों को गहरा झटका दिया और इसके अगली ही गेंद पर अब्दुल समद को भी गोल्डन डक पर आउट कर आवेश ने उन्हें बैकफुट पर ढकेल दिया। आखिरी 2 ओवर में एसआरएच को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी और सुंदर के साथ शेफर्ड पर ये रन करने की जिम्मेदारी थी। 19वें ओवर में टाई ने 10 रन दिए, जिसमें शेफर्ड ने एक छक्का जड़ा, जिसके बाद आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर जैसन होल्डर ने सुंदर को 18 के स्कोर पर पवेलियन पहुंचाकर हैदराबाद को जीत से काफी दूर कर दिया। वेस्टइंडीज के इस दिग्गज गेंदबाज ने शानदार आखिरी ओवर डालकर केवल 3 रन दिए और अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से एक रोमांचक जीत दिला दी है। लखनऊ के लिए आवेश खान ने 4 तो वहीं जैसन होल्डर ने 3 और कृणाल पांड्या ने 2 विकेट झटके हैं। तो दोस्तों, आप केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।